पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड चेंज टेकिंग प्लेस फ्रॉम डैश टू डैश। अगर कल आपने केवीएस वाली भी क्लास ली होगी तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट में अंतर होता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो लाइफ स्पैन की बात करती है, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो मृत्यु तक की बात करेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बच्चे का विकास, जब तक वो स्कूल में है एडोलेसेंस तक, जो कि एडोलेसेंस के अंत तक उसका लगभग सभी तरह का विकास हो जाता है मैक्सिमम। तो जब हम बात किसकी कर रहे हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी नहीं लिखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा है तो शुरू होगी कॉन्सेप्शन से, यानी बर्थ से नहीं। कोई भी अगर आपको कहे डेवलपमेंट बर्थ से डेथ तक चलता है, जी नहीं, डेवलपमेंट वूम्ब टू टूम्ब, कॉन्सेप्शन टू डेथ जाता है, यानी गर्भ से कब्र तक जाता है, जन्म से भी पहले गर्भ से मृत्यु तक जाता है। ठीक, तो जन्म से कहानी शुरू नहीं हो रही है, कहानी शुरू हो रही है आपके कॉन्सेप्शन पीरियड से, यानी कहानी आपकी गर्भावस्था, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, एडोलेसेंस तक। भाई प्याजे की अगर आप स्टेजेस देखेंगे, उन्होंने 15 साल तक निपटा दिया जितना भी मैक्सिमम डेवलपमेंट है कॉग्निशन का। तो जितने भी तरह के मुख्य विकास होते हैं वो सब हो चुके होते हैं एडोलेसेंस के अंत तक, यानी 10 से 19 वर्ष WHO के अकॉर्डिंग और 12 से 18 वर्ष हम एडोलेसेंस को कहते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है। और बर्क भी ऐसा कह रहे हैं, मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था कि बर्क के अनुसार है ये बात, बर्क बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, लिंडा बर्क, के जो गर्भधारण से किशोरावस्था तक की जो स्टडी है, बच्चे में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। हालांकि ड्रेवर कई बार ऐसा भी कह देते हैं, जेम्स ड्रेवर, वो कह देते हैं जन्म से किशोरावस्था तक जो आ रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्शन टू एडोलेसेंस पे हम फोकस रखेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका इसी तरह से पूछेगा। ठीक, क्योंकि हमें एग्जाम के अनुसार भी पढ़ना है थोड़ा सा। अच्छा, एक और चीज है, चलो हम जब CDP की मैराथन करेंगे तब आएंगे उस पे, जो हम ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कर रहे थे ना कल, उसमें भी एक हल्का सा कैच है, क्योंकि पेपर के पैटर्न को और आंसर की को दोनों को समझते हुए चलना है चीजों को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और पोल में जवाब दीजिएगा, इतना जल्दी भी नहीं हटाना है और देख लेना बैलेंस, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं अजर्शन की, यानी एक और दूसरा उसका तर्क, इस तरह के क्वेश्चंस भरपूर आए हैं, इसलिए एक अच्छा सेट है। अगर इन 30 क्वेश्चंस में से 25 प्लस आप ला रहे हैं, मतलब आपकी स्थिति अच्छी है, आप हिंदी और इंग्लिश पेडागॉजी में भी नूब नहीं होंगे, यानी न्यू भी नहीं होंगे, नंबर वहां भी आप ठीक ठाक ले आएंगे। सर्दी बहुत है बट आपको चुपचाप से घर के अंदर रह के पढ़ते रहना है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसी बात पे लाइक शेयर करना अगर आप भूल गए हो तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं बोलना भूल गई हूँ, है ना। स्टार्ट करें, बहुत बढ़िया, चलिए कहानी शुरू करते हैं, बहुत ही बढ़िया। ए ऑप्शन कह रहे हैं 70% लोग, चलिए समझते हैं क्या कहानी है। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे कथन की बात करें, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रोग्रेस एंड पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली, यानी बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, यानी जो बच्चों का विकास है उसका मार्ग, उसका पाथ एग्जैक्ट क्या होने वाला है, उसकी प्रगति यानी उसकी प्रोग्रेस, उसका रेट क्या होने वाला है, ये पूरा से सटीकता से एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी विकास क्या है पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, आपको पता होता है बच्चा चलने से पहले खड़े होना सीखेगा, दौड़ने से पहले चलना सीखेगा, ये पूर्वानुमान है, आपको पता है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बोला जाता है ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि बच्चा जिस क्षेत्र में, मान लीजिए बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी रुचि है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये इस तरफ बहुत अच्छा करेगा, लेकिन सटीकता से प्रिडिक्ट कर देंगे आप नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो खुद कितनी मेहनत करता है, एनवायरमेंट का जो भी रोल है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, बैकग्राउंड से कितना सपोर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, तो एक्यूरेटली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एग्जैक्ट रेट क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, एग्जैक्ट प्रोग्रेस क्या होगी ये हम नहीं बता सकते, कुछ हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये तो बात ट्रू हो गई, एकदम सत्य है। रीजन क्या है इसका, यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स ऑफ चेंज, यानी जो यूनिक कॉम्बिनेशन है किसके, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के। जेनेटिक्स मतलब आपकी हेरिडिटी, आपके अनुवांशिकता, आपके जीन्स, आपका DNA और जो एनवायरमेंट में चीजें मिली हैं उन दोनों का यूनिक कॉम्बिनेशन है क्या, डेवलपमेंट, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स। अब ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है ये कहीं भी लेके जा सकता है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज कब हावी हो जाए, कब एनवायरमेंट हावी हो, किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में जेनेटिक्स ज्यादा प्रभावी हो जाए, किसको पता है। तो दोनों ही बातें सही है, ये बात भी एकदम सही है। कौन कह रहा है ये ऑप्शन, 74% लोग, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या है कि हम एग्जैक्ट एक्यूरेटली, एक सेकेंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली, मतलब सही बात है,
और इसका रीजन क्या है कि जो यूनिक कॉम्बिनेशन है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, वो अलग अलग पार्ट्स में ले जाता है, तो एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते हम। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बातें एकदम सही है। और इस देखो आपको दो चीजें देखनी है यहाँ पे कि क्या ये स्टेटमेंट सही है ए और क्या आर सही है। अच्छा ठीक है, पता लग गया दोनों सही है। अब आपको ये देखना है कि अगर सही है तो ये इसकी रीजनिंग सही है, जो ए के बारे में आर में रीजन दिया गया है ना, क्या वो रीजन ए के बारे में सही है, वो रीजन अपनी कोई कहानी गाने में लगा हुआ है, ये जरूर देख लेना है हमें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। सोशलाइजेशन इज अ, यानी सामाजिकरण क्या है, समझते हैं। सिंपल प्रोसेस है ऑफ पासिंग ऑन कस्टम्स एंड रिचुअल ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। कोई भी प्रक्रिया डेवलपमेंट में सरल नहीं होती है, पहली बात गांठ बांध लेनी है ना, कि डेवलपमेंट या कोई भी चीज यहाँ पे सरल कुछ नहीं है, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स हैं। जब फैक्टर्स इतने सारे हैं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मटिल हो जाएगी। बच्चे की हेरिडिटी भी है, उसका एनवायरमेंट भी है, फिर किस तरह के माहौल में आपने उसको अपब्रिंगिंग दी है, सोसाइटी में कैसे उसका सोशलाइजेशन हुआ है, उसने कैसे लिया है चीजों को, एक्सेप्ट किया है, अडेप्ट किया है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो सिंपल तो हो ही नहीं सकता। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस सिंपल होता है, इंटरनेट पे आके किसी को भी बुरा भला कह देना, दैट सिंपल है ना। बस वो व्यक्ति कॉम्प्लेक्स है जो ऐसा कह रहा है, क्योंकि सिंपल व्यक्ति किसी को बुरा नहीं कहेगा, और जो कॉम्प्लेक्स है, जो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है, वो किसी को अच्छा कैसे कहे। तो एक ही चीज सिंपल है, किसी को बुरा भला कह दो, है ना, वो भी कॉम्प्लेक्सिटी से आ रही है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन ओवर्ट एज वेल एज कोवर्ट मैनर, बहुत बार हमने ये डिस्कस किया है बैचेस में भी। कोवर्ट का मतलब होता है छिपा हुआ, ओवर्ट का मतलब होता है जो बाहर दिखे, ओवर्ट मतलब ऑब्जर्वेबल, जिसका अवलोकन किया जा सके, जिसको आप ऑब्जर्व कर सको, वो ओवर्ट है। और क्या है जो छिपा हुआ है, छिपा हुआ मतलब जिसको हिडन है वो, जैसे हिडन करिकुलम होता है ना, यानी जिसको डायरेक्टली आप नहीं देख सकते, महसूस करेंगे। तो जटिल प्रक्रिया जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूपों से होती है, वो सोशलाइजेशन है। सुंदर लग रहा है ऑप्शन पढ़ने में, समझने में, जानने में, सुंदर मतलब बेहतर, समझदार। सी ऑप्शन है लीनियर प्रोसेस दैट हैपेंस इन एन ऑर्डरली मैनर, डेवलपमेंट की कोई प्रोसेस लीनियर नहीं है, स्पाइरल होती है। ऐसा थोड़ी आज सोशलाइजेशन 200 ग्राम हुआ है, कल भी इतना ही होगा, परसों भी इतना ही होगा, रोबोट थोड़ी हैं हम ह्यूमंस, ठीक है ना, गलत। फॉर्मल प्रोसेस दैट इज प्लान्ड बाय द फैमिली ओनली, यानी फॉर्मल प्रोसेस है भैया, ये तो इनफॉर्मल भी प्रोसेस है, फॉर्मल भी है, दोनों ही तरह से होगा, और वो भी फॉर्मल नहीं हो सकती, वो चीज जो परिवार से आए। फैमिली अगर प्लान कर रही है तो वो फॉर्मल कैसे होगी भाई, फैमिली तो इनफॉर्मल है ना, अनौपचारिक है। फैमिली के पास सूट बूट पहन के बैठे रहते हो क्या हर टाइम, नहीं है ना। अगर हम बात करें भाई बहनों को तू तड़ाक से भी बातें कर लेते हो, तो ये फॉर्मल कहाँ हुआ, बॉस को बोल के दिखाओ, है ना, बॉस यार तुम बड़े बदतमीज आदमी हो, बोलो कभी नहीं हो पाएगा ना, ये प्रिंसिपल को बोलो स्कूल में, ट्राई करो, फिर दुखी, पता नहीं नौकरी का क्या चल रहा है, फिर तो देखना। तो ये फॉर्मल नहीं हो सकता, और ये इनफॉर्मल नहीं हो सकता। अगर हम देखें जो फॉर्मल माहौल है स्कूल का, जहां औपचारिकताएं ज्यादा है, वहां पर इनफॉर्मल होकर के पंगे हो जाएंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं फैमिली की, फॉर्मल हो गए, है ना, मम्मी इतने परसेंट टाइम आपने मेरा खा लिया, इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, मेरे घंटे की कीमत इतने लाख है, और अगर आप हिसाब लगाने बैठ गए घर में, फॉर्मेलिटी ले आए, तो रिश्ते खराब, ठीक है ना। तो अगर हम ये देखें तो ये तो गड़बड़े फैमिली के मामले में, फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, ठीक। अब ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन है ए सही, ए तो हुई, ऑप्शन सिर्फ बी सही बचा है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सामाजिकरण, जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। यानी कॉम्प्लेक्स है, ओवर्ट मतलब जो चीजें आपको डायरेक्टली सिखाई जा रही हैं, बच्चे कोई घर में आए तो नमस्ते करते हैं, है ना, और ऐसे एक टांग पे नहीं खड़े हो जाते हैं, दोनों पैरों पर वजन डाल के खड़े होते हैं, क्या सोशलाइजेशन है, डायरेक्टली सिखाया जा रहा है, कोई आपको बोलेगा, टीचर, माँ बाप, दोस्त यार, कुछ भी। कुछ चीजें आप इनडायरेक्टली कोवर्ट होती हैं, आप कहीं गए किसी देश में रहने या कहीं घूमने भी गए, आप बहुत सारी चीजें वहां से उठा लेते हैं, है ना, के बहुत सारी चीजें आप वहां से उठा लेते हैं। तो कुछ चीजें आप हिडन होती हैं, इनडायरेक्टली सीख लेते हैं, कोवर्ट होती हैं, कोई आपको कहता नहीं है, अंदर होती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिख जाएंगी वो, तो वो कोवर्ट है एक तरह से, वो कह के नहीं सिखाई जा रही है। तो सी ऑप्शन नहीं, बी सही था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर चिल्ड्रन हु आर इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड, यानी वो बच्चे जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, यानी अमूर्त संक्रियात्मक चरण में होते हैं। आपको पता है अमूर्त संक्रियात्मक चरण 11 से 15 वर्ष प्याजे की आखिरी स्टेज है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव यहाँ पे होगा बच्चे का, किशोर का, एडोलेसेंट का, ठीक है जी या नहीं है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, बट हो नहीं पा रहा है ज्वाइन। सोफिया कह रहे हैं मुझे कि इसका बैच ज्वाइन करना है, सोफिया करियर लैब डाउनलोड करेंगे कल को, मुझे ये दिखाना ही पड़ेगा एक बार, बड़े परेशान हैं कई लोग जिनको टेक्नोलॉजी यूज करने में दिक्कत होती है,
फिर आप करियर वेल्थ पे जाएंगे, वहां पे टीचिंग सेक्शन में जाएंगे, सबसे ऊपर सेक्शंस दिए हुए हैं एसएससी ये वो डिफेंस फलाना, तो टीचिंग सेक्शन में जाएंगे, फिर वहां पे आपको केवीएस पेडागॉजी और ये सारे बैच जो भी लेटेस्ट बैचेस वहां आप ज्वाइन कर पाएंगे, ये प्रोसेस है। क्या समझे, समझे कि नहीं, समझ गए शौर सिंह? हम भी समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन है 65% लोग कह रहे हैं, चलिए समझते हैं। प्याजे की बात हो रही है, फॉर्मल ऑपरेशनल यूज डायग्राम्स टू डिपिक्ट हायरार्किकल रिलेशनशिप्स, यानी पदानुक्रमिक, यानी जिन चीजों का आपस में रिलेशन हो, जहां पे बच्चे को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे। ठीक है, अगर आपको कुछ समझाना है तो आप चार्ट बना के हायरार्किकल सिखा सकते हो कि इससे ये चीज निकल रही है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थॉट आ चुका है, अमूर्त चिंतन, रीजनिंग डेवलप हो गई, डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो गई है, अगर मैं कहूं तो हाइपोथेसिस वो कर पाएगा, तो ठीक है बात। तो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये तो फैक्ट है भाई, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन आता है कि बच्चा इमेजिनेशन में एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त यानी मुश्किल चीजों को भी सॉल्व कर पाएगा, समझ पाएगा। अवॉइड करना है एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को भैया, इस स्टेज में ही तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट आता है, और इसी में अवॉइड करोगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में अवॉइड कर देते, प्री ऑपरेशन में अवॉइड कर देते, सेंसरी मोटर में अवॉइड कर देते, बट फॉर्मल ऑपरेशन में तो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को महत्व देना है। एब्स्ट्रैक्ट यानी जिनको आप सोचते हैं, जो आपके विचारों में है, जिनको डायरेक्ट टच करना संभव नहीं है। पेन कॉन्क्रीट है, बट अगर मैं दिमाग में बिटकॉइन के बारे में सोचूं, या और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, प्यार के बारे में सोचूं, ऑनेस्टी के बारे में सोचूं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट है ना, वो विचारों में है, वो इमेजिनेशन में है। गिव अपॉर्चुनिटीज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड रीजंस साइंटिफिकली, यानी बच्चे को साइंटिफिक थिंकिंग का मौका देना, बिल्कुल सही है। तो एक ही चीज नेगेटिव है, थर्ड, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, जो कि डी ऑप्शन में है, और आप सही जवाब दे भी पा रहे हैं, दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल दे पा रहे हैं, ज्योति वाधवानी। ठीक है, मेरी क्लास 9 बजे होती है, बट ईश्वर की दुआ से चीजें इतनी सारी हो जाती है मैनेज करने को। मैम मैंने बैच लिया था, लेकिन एक मिनट रुक जाओ ज्योति, आपकी कहानी में सुनूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, ताकि बाकी लोग पोल में जवाब दे सकें और मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इस बात को समझने में, कोई भी परेशानी अगर है तो, या कोई और तरीका है, बिकॉज एसएसटी 0 प्रिपेयर्ड है, 28 को है पेपर। कुछ प्रीवियस ईयर जो ऑनलाइन वाले हुए हैं, कम से कम 5-6-10 सेट लगा दो, समझ आ जाएगा, चीजें रिपीट होनी शुरू होंगी, एक तरह के क्वेश्चन आ रहे होंगे, और छोड़ के मत आना एक भी क्वेश्चन पेपर में, संभावना है कि पेपर क्लियर हो जाएगा, है ना। हमारे खुद के रिलेटिव्स में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्ट टू पढ़ा नहीं था, बट क्योंकि उन्होंने 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे किए थे और थोड़ा सा उन्होंने समझ का प्रयोग किया अंत में, तो वो क्लियर हो गया। ठीक है ना, क्योंकि अब जो आपके सामने समय है वो बहुत लिमिटेड है, अब आप वीडियोस देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस होंगे, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो यार ऐसे कर दो सब्जेक्ट है, तो बैचेस का फिर वो बेनिफिट आप उठा नहीं पाएंगे ना, जितना उठाना था, उसका रिवीजन भी मल्टीपल टाइम्स होना था। जीन पियाजे की थियोरी में, जो कि संज्ञानात्मक विकास की है, इन जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, ये तो चुपचाप से सीधा साधा लड्डू क्वेश्चन है कि अनुकूलन है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इसी की दो पूरक प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा आप लाइफ में, दुनिया में अडेप्ट करते हैं, नए नए स्कीमा की तरफ जाते हैं। बाकी तीनों के बारे में पियाजे ने बात नहीं की है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 6, थोड़ा जल्दी खत्म कर देते हैं ब्रो, जब सीधे आंसर बता दिए हैं तो। क्लियर है, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जो फ्लिप डैश टू बी इंपॉर्टेंट, यानी जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं, परिपक्वता को, हाँ बिल्कुल देते हैं, मैच्योरेशन मतलब हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स को महत्व देते हैं, वो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की भी बात करते हैं कि कैसे हम अपने जीन्स के थ्रू नॉलेज को बिल्ड करेंगे, या अपनी मैच्योरेशन के थ्रू, मैच्योरेशन क्या एक हेरिडेटरी प्रोसेस है। रीइन्फोर्समेंट की जब हम बात कर रहे हैं, रीइन्फोर्समेंट की बात पियाजे वाइगोत्स्की कोई नहीं करता, पुनर्बलन, वेरी गुड, शाबाश, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इनकी बात ना पियाजे करते हैं और ना ही वाइगोत्स्की करते हैं, ये बात हमें बिल्कुल सरल ढंग से पता होनी चाहिए। ड्रिल और प्रैक्टिस की भी बात नहीं करते हैं पियाजे और वाइगोत्स्की, ये सब हवाई बातें हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की भी बात पियाजे वाइगोत्स्की नहीं करते हैं, ये व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट लोग करते हैं इस तरह की बातें। तो एक ही ऑप्शन सही बचा, अगर आप एलिमिनेट भी कर पा रहे हैं तो, और नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको पता है कि पियाजे क्या है, हेरिडिटी पे फोकस करते हैं, यानी मैच्योरेशन पे फोकस करते हैं, मैच्योरेशन यानी परिपक्वता जो जीन्स से आएगी, जो आनुवांशिकता से आएगी, जो हेरिडिटी से आएगी। और वाइगोत्स्की तो आपको पता ही है कल्चर के कितने प्रेमी है, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कल्चर को, सांस्कृतिक उपकरणों को, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, यही तो 3 चीजें हैं जो बेस हैं वाइगोत्स्की की थियोरी का ना। और पियाजे की
जो थियरी है उसकी चार चीजें बेस है, एलिमेंट है, वो कौन से हैं? देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं एक मिनट में। प्याजे आप याद दिलाइए फटाफट से, MESE, ये फोर एलिमेंट्स हैं, फोर फैक्टर्स हैं जिन पे प्याजे की थियरी बेस्ड है। मैचुरेशन, मैचुरेशन बोले तो जीन्स, हेरिडिटी, कोई भी नाम आ जाए पता चल जाएगा कि मैचुरेशन की बात हो रही है। इक्विलिब्रेशन यानी बैलेंस, ठीक। फिर किसकी, सोशल एक्सपीरियंस और एक्टिविटी या खाली एक्सपीरियंस जिसको हम फोर्थ कह रहे हैं। ये चार प्रोसेसेस हैं प्याजे की और वाइगोस्की की, आपको पता ही है। SCL, सोसाइटी कल्चर और लैंग्वेज, जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, वाइगोस्की के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लैब वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट पेडागॉजी टू प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी वाइगोस्की के अनुसार क्या सही नहीं होगा, जो सोसाइटी कल्चर और लैंग्वेज की बात ना करे वही सही होगा, वही सही नहीं होगा, क्योंकि तीन ही चीजों को महत्वपूर्ण मान रहे हैं ना वाइगोस्की। तो मैम सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कब से होगा? मेरा सेंटर फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया है, कितने तो अभी तो नहीं कह सकते, बट ठीक है इतने आपको आइडिया लग जाएगा कि कब कब पेपर किस किस के हो रहे हैं। डी ऑप्शन 80% लोग चूज कर रहे हैं, बोले तो 80% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन सही होगा, सही होगा, सही होगा। अब क्यों सही होगा इसी को देखना है आपको, पेपर तक जुड़े रहना है। कल हो सकता है आपकी क्लास, एक क्लास तो कम से कम लगेगी, परसों हो सकता है दो क्लास भी लगा दूं मैं, है ना। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, अकॉर्डिंग टू लैब वाइगोस्की, क्योंकि सैटरडे संडे करियर विल पे ऑफ रहता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ज्यादा टाइम दिया जाए और पेपर आपका सर पे है बिल्कुल। देखिएगा कि असिस्टेंस की, कोऑपरेशन की, कोलैबोरेशन की बात आए, हाथ पकड़ लीजिए, यस यस यस, वाइगोस्की ही कहेंगे सहयोग की बात, अप्रेंटिसशिप की बात, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस यानी ऐसी चर्चाएं जो एक दूसरे की समझ को व्यापक करें, बेहतर करें, ये भी सही है। कोलैबोरेशन बिल्कुल सही है, सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग, मैंने आपको वाइगोस्की की थ्योरी, अभी मैराथन्स हुए थे 8.5 घंटे, सीढ़ी भी पढ़ाया है, उसमें बात की है मैंने लास्ट में कि कैसे कोलैबोरेशन पे फोकस करना है, पीयर लर्निंग पे फोकस करना है। लेकिन रट्टे लगाने पे और उन रट्टों को उगलने पे पेपर पे, इस पे फोकस वाइगोस्की नहीं करते। दोहराव व स्मरण करना, रट्टे लगाना, ड्रिल प्रैक्टिस, ये सब खराब बातें हैं वाइगोस्की और प्याजी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कैरल ग्लिगन क्रिटिक्ड दैट लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियोरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डीवैल्यूज फेमिनिन मॉरेलिटी दैट एम्फसाइजेस, यानी कैरल ग्लिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नेता जो किस पर जोर देती है को नकारते हैं, यानी जेंडर बायस थियोरी है जो नैतिक विकास है कोहलबर्ग का। अच्छा यार कब है आपका हिमाचल प्रदेश टेट, क्योंकि मैं खुद बहुत व्यस्त हूँ अभी, जब तक सी टेट है कि वे साथ में चल रहा है ना, तो मेमोरी में पढ़ा तो बिल्कुल देती निश्चित रूप से, बट समय हो पाएगा कि नहीं ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा। एचपी टेट में अगर आ रहा है वो चैप्टर, महिलाओं में केयर की जो नैतिकता है वो केयरिंग होती है ज्यादा, अगर हम जस्टिस की नैतिकता की बात करें जो कि मेल्स में ज्यादा देखने को मिल रही है, यानी जो लॉजिक और रीजनिंग पे ज्यादा बेस्ड है, जबकि वहीं फीमेल्स की जो मॉरेलिटी है वो केयर पे बेस्ड ज्यादा है ना। तो अब उसमें सोसाइटी का भी रोल है और वो बाय नेचर भी वैसी है बायोलॉजिकली भी, तो ये भी एक रीजन है। लेकिन इन्होंने इस एस्पेक्ट को डीवैल्यू कर दिया, इंपॉर्टेंट नहीं माना, किसने, कोहलबर्ग ने, बाकी चीजें तो यहाँ टिकती ही नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ब्रो सो जाइए ना, आप चादर ला देते हैं आपको, थोड़ा सा अटेंटिव रह लीजिए है, और थोड़ा बैठ जाइए सीधे होके ताकि पता चले कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, पोल लगा दीजिए टाइम से। हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर क्या कहते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, हाँ बिल्कुल दिया, MI का सिद्धांत, 8 प्रकार का इंटेलिजेंस है पता है हमें। प्रपोज्ड दैट कॉग्निटिव एबिलिटी इज द सिंगुलर ट्रेट, सिंगुलर ट्रेट की बात कौन करता है, एल्फ्रेड बिने, यूनिटरी थियरी है इनकी, एल्फ्रेड बिने जिन्होंने पहला बुद्धि का परीक्षण दिया था 1905 में और मेंटल एज की बात की थी 1908 में, इनकी सिंगुलर ट्रेट की थियरी, कहते हैं सिंगल ट्रेट है बुद्धि, सिंगल एबिलिटी बुद्धि है, थ्री एबिलिटी बुद्धि है। गिव द कॉन्सेप्ट, जबकि ये चीज आज की डेट में मान्य नहीं है, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग इंटेलिजेंस एज इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी कि IQ का कॉन्सेप्ट दिया भैया, IQ का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, फॉर्मूला टर्मन, लुई टर्मन, ठीक। गिव इलैबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ 16 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, हाँ हाँ इनका बस चले तो 1400 भी बता दें, 1600 भी। क्या है, प्रपोज द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, ठीक है इतनी बात, आगे बढ़े। यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, NCERT में भी आप पढ़ सकते हैं, फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की पुस्तक में 1983 में, 8 प्रकार की बुद्धि है आज की डेट में। NEP की बात हो रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, किस चीज पर फोकस करती है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए, बताइए सर फटाफट से, बताइए सर और मैडम बताइए,
कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, डीकॉन्टेक्स्टुअलाइजेशन, देखिए जहां वर्ड डी लग जाए इसका मतलब नेगेटिव चीज है ना, ये अंग्रेजी के रूट वर्ड्स हैं, अंग्रेजी में पढ़े होंगे आपने अपने टीचर से, कौन पढ़ाता है बैच में अंग्रेजी, अरुण सर, एक तो इंग्लिश कितने सारे टीचर्स हैं हमारे यहाँ, देखिएगा अगर हम बात करते हैं गैर संदर्भित, नहीं संदर्भ में पढ़ाना अच्छी बात होती है, गैर संदर्भित बिग नो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में सिखाना है बच्चे को, कॉन्टेक्स्ट में सिखाना है, डीकॉन्टेक्स्टुअलाइज नहीं कर सकते, रटवाने की तो भूमिका खत्म ही होती है, लर्निंग फॉर एग्जाम्स, लर्निंग फॉर लाइफ है ना, जैसा कि जॉन डूई कह रहे हैं एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी प्रेजेंट लाइफ की बात करो एजुकेशन में, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कॉन्सेप्ट्स बेहतर